हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसे जा रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? राइटिंग सीख रहे हैं या नहीं, या बस वीडियोस देख रहे हैं? और कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मैं और मेहनत करूं आप लोगों को सिखाने के लिए। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम सीख लिया है ए टू वी। हमने तमाम अल्फाबेट्स ज्वाइनिंग लेटर में सीख दिए हैं। जो सीख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और अब हम लास्ट जो अल्फाबेट्स रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमारी ए टू सी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट जो है हम टू टू थ्री वर्ड्स जो है वो ज्वाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। अच्छा जी, हमने अभी तक जो सीख लिया है मैं एक बार उसको रिपीट कर रही हूँ। मैं इसलिए रिव्यू दे देती हूँ ताकि जो सीख रहे हैं बच्चे वो दोबारा एक बार नज़र दोहरा लें कि हमने अभी तक क्या सीखा है और कैसे सीखा है। अगर कोई मिस्टेक हो तो वो नोटिफाई कर लें और देख लें कि आप लोगों के हर लेटर की शेप ऐसी आ रही है। अगर किसी में भी खराबी है उसको फिर प्रैक्टिस कर लें। मैं बहुत स्लो स्पीड के साथ लिख रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लें कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है। अभी तक देख लें, मैं एक लेटर लिख रही होती हूँ उसके दौरान मैं पेन नहीं पिक करती। आप लोगों ने भी बिल्कुल पेन नहीं हटाना। यही ज्वाइनिंग और कर्सिव राइटिंग की स्पीड का जो है वो रीजन है। जी, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। ये मैंने थोड़ा सा कर्सिव में लिखा है, थोड़ा सा तिरछा है और मैं इतना ज्यादा तिरछा भी नहीं करती। अगर आप लोग बिल्कुल तिरछा कर रहे हैं सीख रहे हैं तो बस एंगल का ख्याल रखें, हर लेटर का एंगल जो है वो सेम हो। अब बिल्कुल स्ट्रेट वालों के लिए लिख रही हूँ जो स्ट्रेट राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली मैं खुद कर्सिव में लिखती हूँ, थोड़ा सा तिरछा लिखती हूँ तो मुझे स्ट्रेट लिखना भूल जाता है हर बार। जी, ये स्ट्रेट हो गया और ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो बाकी हमारे रिमेनिंग है ज्वाइनिंग लेटर्स। डब्ल्यू डब्ल्यू बिल्कुल वी की शेप का होगा। आप लोग अगर नोक बना के लिखना चाहते हैं नोक बना के लिख लें, और अगर आप लोग जो है वो राउंड शेप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लें। दोनों यूज हो सकते हैं, जो आप लोगों को बेस्ट लगता है आप लोग उसको यूज करें, लेकिन दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। जो थोड़ा सा तिरछा लिख रहे हैं उनके लिए इस तरह आ जाएगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट है उनके लिए इस तरह आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू दोबारा देखने कैसे करना है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा तिरछा इस तरह, ठीक है। वीड की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो डब्ल्यू भी इजीली आप लोगों से हो जाएगा। इसके बाद है एक्स। एक्स की तरह ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका भी स्टार्टिंग ये है, यहां पे आके आप लोगों ने दोबारा वापस जाना है और ये शेप दे दी, ठीक है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग भी हो गया। बिल्कुल स्लो जो है आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी स्पीड की तरफ बिल्कुल मत जाइए, स्पीड इन्हेंस करने के चक्कर में आप लोगों की परफेक्शन जो है वो इफेक्ट होगी। अभी आप लोगों ने जस्ट परफेक्शन की तरफ आना है कि आप लोगों की लेटर जो है परफेक्ट लिखे जाए। स्पीड आपकी इंशाल्लाह खुद बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। अभी नहीं आप लोगों ने स्पीड के पीछे भागना, बिल्कुल स्लोली प्रैक्टिस करें। और हर लेटर की इम्पोर्टेंस है, हर लेटर को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। क्या मैंने इस दफा इसकी शेप अच्छी डाली? अगले लेटर की शेप बनाते हुए ख्याल रखें कि आप लोगों ने पिछले से बेस्ट बनानी है, ठीक है। सिर्फ खाना पूरी नहीं करनी, ठीक है। ये एक्स हो गया। इसके बाद हम वाई की तरफ आते हैं। वाई ये इसका स्टार्टिंग, यहाँ पे हम इस तरह हम यू की शेप डालते हैं तो
यहाँ पे आके हम ऐसे एंड कर देते हैं यू को वाई में, आप लोगों को नीचे ले जाना जैसे वाई की शेप होती है, इस तरह भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसका प्रीवियस लेटर कौन सा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है, इस तरह भी लेके जा सकते हैं और इसको जरा ऐसे इस शेप में भी लेके जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, बस हर लेटर की स्टार्टिंग एंडिंग हमने रखनी होती है। ठीक है, एक्स वाई की दोबारा देख लीजिए, अगर आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, और अगर आप लोग तिरछा लिख रहे हैं तो ये चीज तिरछी हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों ने क्या एंगल रखा हुआ है। जी, अब लास्ट लेटर ये इसका स्टार्टिंग, ये इसकी एंडिंग, जी की शेप वही है, बस हमने इसका स्टार्ट और एंड रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यानी मतलब कि ये जी की शेप है ना, आप लोगों ने इसका स्टार्ट और एंड रखना है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि पेन बिल्कुल नहीं उठाना तो आपने बिल्कुल इकट्ठा ही लिखना है, इसको स्ट्रेट लिखेंगे तो आप लोगों ने जी जो है इस तरह लिखना है, और अगर ज्वाइनिंग में है तो जी जो है तो ऐसा तिरछा ले जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया है W, X, Y एंड Z, और इसी तरह हमारी A टू Z अल्फाबेट्स ज्वाइनिंग लेटर में एंड होते हैं। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पहले आप लोग मुझे बताइएगा इस वीडियो के लास्ट में कि क्या आप लोगों ने इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, उसमें हम डबल डबल लेटर्स और फिर ट्रिपल लेटर्स की ज्वाइनिंग सीखेंगे। ठीक है, हर लेटर को डिफरेंट लेटर से ज्वाइन करना भी डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आप लोग ए टू सी प्रैक्टिस कर चुके हैं और कोई इशू है कि नहीं, और फिर हम जो है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।